नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा। लॉकडाउन अभी भी जारी है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, कॉलेज बंद है। ऐसे में बच्चों, खासकर छोटे बच्चों को घर पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना है और उसके मानसिक विकास को रुकने नहीं देना है। हमें अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना है और उनको कहानियां सुनाएं, बच्चे के साथ एक्शन के साथ राइम करें, ताकि बच्चे का मानसिक विकास निरंतर होता रहे। फोन और टीवी के अलावा हमें अपने बच्चे को काफी समय देना है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी एक्टिविटी लेकर आई हूँ जिससे आप अपने बच्चे के साथ समय भी व्यतीत करेंगे, बच्चे का मानसिक विकास भी होगा और बच्चा इस एक्टिविटी को काफी इंजॉय भी करेगा। मैं अभी आपको वो एक्टिविटी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड बनाए हैं और इन कार्ड्स पर नंबर लिखे हैं। इन कार्ड्स के अंदर कुछ एक्टिविटी लिखी है और ऐसे ही मैंने कुछ पर्चियां इस बास्केट में रखी है। इन पर्चियों में वही नंबर लिखे हैं जो इन कार्ड्स पर लिखे हैं। हमें अपने बच्चे को बुलाना है और उसको बोलना है कि आओ आज हम कोई गेम खेलेंगे। अब बच्चे को एक पर्ची उठाने के लिए बोलना है। अब यहाँ से एक बच्चा एक पर्ची उठाएगा और उस पर्ची पर क्या नंबर लिखा है वो आपको अपने बच्चे को बोलने के लिए बोलना है। अब बच्चा बताएगा कि इस पे 13 नंबर लिखा है, या फिर आप बच्चे को बता सकते हो कि इस पे 13 नंबर लिखा है। 13 नंबर का ही कार्ड आपको अपने बच्चे को पिक करने के लिए बोलना है। मैंने ये 13 नंबर का कार्ड पिक किया है। इस पर एक्टिविटी लिखी है वेजिटेबल नेम। तो आपके अपने बच्चों को बोलना है कि आपके पास तो वेजिटेबल नेम का कार्ड आया है और आपको वेजिटेबल नेम बताना है। इस तरह आपका बच्चा वेजिटेबल नेम बताएगा। जब ये एक्टिविटी हो जाएगी तो आपको एक कार्ड अलग रख देना है। फिर आपको एक पर्ची और पिक करनी है। यह पर्ची आप अपने लिए पिक करें और इस पर नंबर देखें क्या लिखा है। इस पर फोन नंबर लिखा है। ये कार्ड आपके लिए है, आप ये कार्ड पिक करेंगे। इस पर लिखा है कलर्स नेम। तो कलर्स नेम आप खुद से बच्चे को बताएंगे कि मुझे ये कलर्स नेम पता है। तो आप उसको 4 या 5 कलर्स नेम बता दीजिए। फिर ये वाली एक्टिविटी हो गई तो आपको ये कार्ड अलग रख देना है। अब आपको दूसरा कार्ड बच्चे को पिक करने के लिए पर्ची बोलनी है। अब यहाँ से मैंने एक और पर्ची ले ली है, तो इसमें लिखी है नंबर 12। तो इसी नंबर का कार्ड आपको बच्चे को पिक करने के लिए बोलना है। मैंने 12 नंबर का कार्ड पिक कर लिया। इसमें लिखा है फ्रूट्स नेम। आपको अपने बच्चे को बोलना है जो भी फ्रूट्स नेम उसको पता है वो उसको बताए। अब आपके बच्चे को जो भी फ्रूट्स नेम पता होंगे वो आपको उसको बता देगा। फिर ये कार्ड अलग रख लेना है। इस तरह से फिर आपको एक और पर्ची पिक करनी है और ये आपको अपने लिए लेनी है। यानी आपको अपने बच्चे के साथ एक्टिविटी खुद करनी है। एक बार आपका बच्चा एक्टिविटी करे, एक बार आप। अब मेरे पास 60 नंबर आया है। मैंने 60 नंबर का कार्ड पिक कर लिया है। इसमें एक्टिविटी है योर फेवरेट टॉय। तो आप उसको बताइए कि आपका फेवरेट टॉय क्या है। ये वाले कार्ड आपने फिर से अलग रख दिया। इसी तरह ये एक्टिविटी एक बार आप करेंगे, एक बार आपका बच्चा, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस तरह आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग एक्टिविटी बना सकते हैं। उनके सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है उनका भी आप यहाँ पर इन कार्ड्स में एक्टिविटी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सारे कार्ड्स ओपन कर दिखाती हूँ कि इनमें मैंने क्या क्या लिखा है। ये बहुत छोटे बच्चे के लिए, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, डेज नेम, मंथ नेम, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, इंग्लिश राइम, माई सेल्फ, काउंटिंग 1 to 50, इंसेक्ट नेम, डांस, योर फेवरेट गेम एंड कंप्यूटर पार्ट्स नेम। इस तरह से ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ करिए। मैं भी घर पर ये एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ करती हूँ और यकीन मानिए वो बहुत इंजॉय करते हैं। और मैं इसमें डेली कोई ना कोई 2 एक्टिविटी चेंज कर देती हूँ जिससे बच्चे को ये लगे कि आज क्या एक्टिविटी चेंज हुई है। तो मैं आशा करती हूँ जब ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे को कराएंगे तो आप भी ऐसे ही इंजॉय करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।